आज से कबल हमने आपको दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ तफरीही और सियाहती मुकामात की सैर कराई है, लेकिन आज आपको मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ दिलकश खूबसूरत फिजाई मनाजिर का नज़ारा कराते हैं। तो आइए चलते हैं इस फिजाई सफर की जानिब। एयरपोर्ट रनवे से परवाज भरते ही हरे भरे खेतों का मंजर देखने वालों का इस्तकबाल करता है। ग्लाइडर शहर भर का चक्कर लगाते हैं तो बुलंदोबाला पहाड़ पीरचनासी के दामन में बस्तियां और बाजार अपनी तारीखी इर्तकाई तब्दीलियों का पैगाम देती हैं। ये हमारा 5 से 7 है, 3 दिन रोजाना की जो एक्टिविटीज हैं उसमें कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, गतका है, रस्साकशी है, फिर उसके बाद हमारा कल्चरल शो होगा रोजाना की बुनियाद पर, फायर वर्क होगा रोजाना की बुनियाद पर, फूड मेला लगा हुआ है, लोग खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, हमारी जो मसनूआत है उसको खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला तीनों दिन होंगी। फिजा से दूर तक फैले जहलम वैली के इलाकों और चकार समेत लीपा वैली के पहाड़ों के मनाजिर भी सहर तारी करते हैं। क्रेडिट गोज टू सेक्टर टूरिज्म और पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट को कि इन्होंने इस किस्म के इवेंट्स का इनका किया। यहाँ स्टॉल्स लगे हैं, यहाँ भी इंशाल्लाह टूरिस्ट आएंगे, उनको एक एक्टिविटी में असर आ गई है और ये देख के बाकी पाकिस्तान के टूरिस्ट का भी एक इरादा बनेगा आज़ाद कश्मीर की तरफ आने का। मोटर ग्लाइडर के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तसर हवाई सैर की इस तफरी से इलाकाई सियाहत को मजीद फरोग भी दिया जा सकता है। मुजफ्फराबाद शहर के ये खूबसूरत और दिलकश फिजाई मनाजिर सयाहों को भी दावत नज़ारा देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकी उल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।